हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका काका। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। आज हम बनाने जा रहे हैं, ये है शिमला मिर्च, इसको कैप्सिकम भी बोलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी इसकी एक नई रेसिपी। आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे अलग तरीके से। फ्रेंड्स, ये हम इसके डट्टे निकाल रहे हैं। और इसमें से हम इसके जो भी मिर्च के अंदर जो बीए होते हैं वो हम इसको निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमें सब मिर्च के अंदर से निकालना है। ये हम डट्टे निकाल देंगे। उसके अंदर से हमने ये मिर्ची का जो पिया है वो हमने निकाल दिया है। देखो फ्रेंड्स, ये हम बेसन का आटा डाल रहे हैं इसके अंदर। ये हमने 3 स्पून जितना आटा डाला है इसके अंदर बेसन का। अब हम इसके अंदर बेसन के आटे के अंदर हम मिर्च डालेंगे 1 स्पून। ये हल्दी हमने 1/4 स्पून डाला है। ये हमने गरम मसाला डाला है 1.5 स्पून। ये हमने कौन सा पाउडर डाला है? धनिया पाउडर हमने डाला है 1 स्पून जितना। और अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमने ये सॉल्ट डाल दिया है। अब हम इसके अंदर तेल डाल देंगे 3-4 टेबल स्पून। अब हम इसको मिक्स इट करेंगे अच्छे से। देखो फ्रेंड्स, ये हम शिमला मिर्च के अंदर इसको भर रहे हैं, आप देख पा रहे हो। हमें ऐसे करके सारा आधा आधा भरना है। हमें जो हमने ये मावा रेडी किया है वो उसके अंदर हमने भरना है। सारे शिमला मिर्च में हम ऐसे ऐसे करके भर देंगे। देखो फ्रेंड्स, ये हमने तेल डाल दिया है इसके अंदर। हमने ये करीबन आधा बाउल जितना तेल इसके अंदर डाला है हमने। अब हम ये तेल को गरम होने देंगे। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्राई तेल हमारा हो चुका है हॉट। अब हमने इसके अंदर शिमला मिर्च रख दी है, ये है कैप्सिकम। और फ्रेंड्स, अब हम इसे ढक देंगे। हमें इसे अभी 5-7 मिनट तक ढक के रखना है क्योंकि ये अच्छे से पक जाए, फिर हम टर्न करेंगे इसको। देखो फ्रेंड्स, ये हम इसको टर्न कर रहे हैं। हमें इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको टर्न करते रहना है क्योंकि ये एक साइड पकेगा और दूसरी साइड कच्चा रह जाएगा, हमें ऐसा नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, हमें बीच बीच में इसको हिलाते रहना है वरना ये कच्चा रह जाएगा। देखो फ्रेंड्स, ये हो गया है, सब्जी रेडी हो चुकी है हमारी। अब हम इसको सर्व कर देंगे। देखो फ्रेंड्स, ये हमारे शिमला मिर्च रेडी हो चुके हैं। आप भी ऐसी सब्जी अपने घर बनाओ और सबको खिलाओ। ये एकदम बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और ये आप एक बार बनाओगे तो आप हर बार यही तरीके से बनाओगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे स्टाइल से आप एक बार बना के ये सब्जी ट्राई करना। और प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।